We have with us DG CRPF, Sri Kuldeep Singh Ji, and along with him, we also have Rajiv Singh, IG Operations, and ADG Operations, Mr. Nalin Prabhat, will be joining us shortly. Today, we have all these officers from CRPF to brief us about successes achieved against left-wing extremism. Now, I'll request DG CRPF, Mr. Kuldeep Singh, to brief you. Namaskar. आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ. जैसा कि आप सभी ने इसके पहले सुना होगा कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है बूरा पहाड़. वो जब से माओवाद चालू हुआ है तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था. सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहाँ अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था तब भी 2018 में 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए. यहाँ तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था. लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था वहाँ पर. बहुत अधिक IEDs और दुनिया भर की और तरह की चीज़ों को वो वहाँ पर लगा के रखते थे जिससे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी. लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जैसे अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बूरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए. बूरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा. लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है. बड़ी मात्रा में पूरी तरह से बूरा पहाड़ को साफ़ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है. इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए. उसके भी पहले उस एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल. उसको फिर डबल बुल भी कहा गया. विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहाँ से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी उसके अगेंस्ट में किया जिसका डिटेल मैं भी आपको दूंगा. और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं. उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म जो अभी चल ही रहा है. इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में. ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूँ 2022 की अप्रैल के बाद से जब से यह ऑपरेशन चलाए गए. इसके अलावा अप्रिहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18. तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था. जैसा कि आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो उनके उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत गृह मंत्रालय ने देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को अंतिम चरण में पहुँचाने का प्रण लिया है और हम लोग उसको साकार करने में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं. वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई गई है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य के सुरक्षा बलों से संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से संबंधित वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम लोगों को अप्रत्याशित सफलता भी मिली है जिसका वर्णन मैंने आपको अभी थोड़ा सा दिया. केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान से हिंसा की घटनाओं और उसके भौगोलिक प्रसार दोनों में लगातार गिरावट आई है. मैं अगर कुछ आपको फिगर दूं
तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में करीब 77% की कमी आई है। वर्ष 2009 में ये जो फिगर 2258 हुआ करती थी, उच्चतम स्तर थी, आज वो 509 रह गई है। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी करीब 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से कम होकर के 2021 में यह संख्या केवल 147 रह गई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफ़ी कमी आई है और वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो हुआ करते थे, जिनकी संख्या 2010 में 96 हुआ करती थी, वो आज 2022 में केवल 39 रह गई है। 2018 से अभी तक के आंकड़े कुछ आपको इसमें फिगर में पीछे दिखाई पड़ रहे होंगे। 2018 में 60 के मुकाबले 2022 में 39 वामपंथी उग्रवाद संबंधी जिले हैं। इनकी घटनाओं में करीब 39% की कमी आई है। इनके सुरक्षा बलों के जो शहादतें हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें करीब 26% की कमी है। सिविलियंस की जो माओवादी किलिंग्स किया करते हैं, उसमें करीब 44% की कमी आई है। और जो हिंसा की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न जिलों की बात जो मैंने नंबर में बताई, उसमें परसेंटेज में वो करीब 24% है। इसी के तहत मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हम लोग टोटल वायलेंस जो ज़िले में हो रही है, उसमें से अगर 90% से अधिक वायलेंस किसी एक ज़िले में होती है, तो उसको हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जो 2015 में 35 थी, 2018 में 30 थी, और आज वो घट के केवल 25 रह गई है। इसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल्स जो जिसके ऑपरेशन के तहत यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं और आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि बुरा पहाड़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और ये पूरा बुरा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। कुछ मैं फिगर आपको देना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में, करीब 1 से 1.5 साल में, करीब 20 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस झारखंड में बनाए गए हैं और कई सारे नए बेस बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 11 बेस कुछ पिछले 4-5-6 महीनों में ही बनाए गए हैं। और उसके तहत जो ऑपरेशन हमने आपको बताया ऑक्टोपस, उसमें जो ऑक्टोपस के दौरान जो सुरक्षा बल ऊपर चढ़ाई चालू किए, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ली, और जिसके तहत कि जो ह्यूमन इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट, ये दो तरह की इंटेलिजेंस कलेक्शन ज़्यादातर आजकल होता है, जिसको टेक्निकल इंट बोलते हैं, उसमें वो फ़ोन मॉनिटरिंग, सेल फोन मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह से जो इंटेलिजेंस मिलता है, और दूसरा होता है जो एक सोर्स को डेवलप करके जो काम किया जाता है। तो इसमें हमने एक सोर्स डेवलप किया और सोर्स ही हम लोगों का एक बहुत ही अच्छे तौर पर उसने हम लोगों को इसमें गाइडेंस दिया, जिसके तहत हम वहाँ तक पहुँच पाए।